हाय गाइस, हाय गाइस, क्या कर रहे हो गाइस? आप, मैंने दो तीन दिन से आपको अल्मीरा में डाला हुआ था, सॉरी गाइस, माफ करना। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका स्वागत है एक और व्लॉग में। आपके क्या बोलते हैं उर्दू में, कैसे बोलते हैं गाइस? उर्दू बोल के यार, जैसे कॉलेज से निकला। अस्सलाम, उर्दू में मैं बात करता हूं भाई, शायर हूं सो करके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे भी आन देना फ्रेम। आज के एक नए इस सफर में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने कमरे से। गाइस, अपने कमरे से शुरुआत करते हैं। और ये कपड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं धोने के लिए पिछले तीन दिनों से। ये बिस्तर पिछले एक महीने से ऐसे पड़े हुए हैं। ओ अस्तगफिरुल्लाह, इतनी गंदी सी टोपी पहना के रख लिया। हाँ, इतनी गंदी सी बदबू आ रही है हमारे कमरे से। ऐसी भाई कुत्ते बिल्लियाँ रहते हैं तब भी ना, पर मच्छर आने का। ठीक है, आज हम जी बनाएंगे अपनी पहली सहरी। आज हम बनाएंगे जी दाल। कुछ मत देखो गाइस, दाल बनी हुई है। ठीक है, बहुत माशाल्लाह इतनी लज्जत वाली दाल बनी हुई है ना, इतनी आप सोच नहीं सकते। और हमारे शेफ थे कौन? मिस्टर ईटी कैडरी। ठीक है गाइस, अंग्रेज इसको बोलते होते हैं ईटी कैडरी। तो अभी हम बनाएंगे सिर्फ जी हमें चावल बनाने और साथ में दाल बनी हुई है, साथ में कुछ फुलके बना लेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, अजीब है। दाल कहाँ डाली सर? ये दो रोटी बनाओ। कहाँ डाल गाइज, मुझे पता है आप चावल बनाते होते हैं। ठीक है, पर मसला एक है कि चावल बहुत कम है, पानी इतना ज़्यादा है जी, ऐसे लग रहा है कि चार गांव के चावल बनाने हमने, इतना पानी है। ठीक है, और मसला ये कि एक दिन पहले भी ये महाशय लगे थे कुछ चावल वावल बनाने, और एक ये और एक हमारे बड़े भैया, तो फिर चावल तो बने नहीं गाइस, समझ जाओ क्या बने। नहीं यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं एक बार गाइस मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरी जुल्फें देखो चावलों को। भैया जब हम घर जाएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पर रुको यार आप, जब हम घर जाने वाले हैं, घर वाले इतने तंग आएंगे हमसे, इतने तंग आएंगे ना, पता है क्यों है तिबे? पूछना क्यों? क्यों पूछ रहा है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? भाई घर वाले इसलिए तंग आएंगे क्योंकि हम रात को मच्छरों के जैसे जाग रहे होंगे। ठीक है, मेरे घर वालों को पता है कि ये रात को जाग, तू पहले भी रात को जाता है? मैं 6 साल के बाद। हाँ, ये उधर गाइस हॉस्टल में, उधर हम जयपुर में रहते होते थे, और ये बंदा रात को 2-3 बजे आ रहा है सोने के लिए, पता नहीं कहाँ जाता होता घूमने के लिए गाइस, पर ये भरा हुआ कीचड़ में यहाँ 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 पूरा भरा हुआ होता था रोज। अस्तगफिरुल्लाह, देखा कैसी चीज का नाम ले, अस्तगफिरुल्लाह, जहन्नम जहन्नम। गाइस आप हमारा फ्रिज देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, नहीं, आज नहीं, आज नहीं दिखाते, इंशाल्लाह कल सुबह उठेंगे हम। ठीक है, और सुबह उठ के ये सारा अंदर की बहुत सफाई वफाई करनी है। इधर देख रहे हो आप, ये भाई भाई साहब महाशय के जूते इधर पड़े हुए हैं, बैग इधर पड़े हुए हैं। ठीक है, ये कर सकता है गाइस, मिशन सक्सेसफुल। ठीक है, मैं इतनी देर से तभी ऐसे कैमरा रख के वेट कर रहा था, मैं चावल खुलेंगे पता चले कि अच्छे से बने या नहीं बने चावल, तो फिर ही कुछ दिखाया जाए, बेइज्जती कराने का फ़ायदा नहीं है। फुलके भी बन गए, रोटियाँ भी बन गई, फुलके यहाँ पर सारे फुलकों को रोटियाँ बोलते हैं भैया, हम तो फुलके ही बोलते हैं। ठीक है, डालिए सर चावल और हम अंदर बैठ रहे हैं। ठीक है, जल्दी खाना लगा। यार लाइट चली गई है, पता नहीं अभी रात यार 3-4 बजे क्या जरूरत है भैया, सो जाओ यार। गवर्नमेंट को कुछ मत बोल दे कैमरे पे, क्यों आजकल जो बंदा गवर्नमेंट को कुछ बोल रहा है उसको उठा रहे हैं गवर्नमेंट। यार नहीं बोल रहे, पंजाब पॉलिटिक्स को दूर रखो, खालिस्तान गाइस। गाइस हमारा जो है खाना हो चुका है, सहरी हो चुकी है, और अतीब बेड पर रह गए क्या हमें ना गाइस? ऐसे आटा पड़ा हुआ है बेड के ऊपर फुलकों के साथ से, जैसे यहाँ पे कल फुलकों के पेड़ उगेंगे और उसके ऊपर फुलके लगेंगे। बहुत बुरे लग रहे तो गाइस, अभी हम कुछ और भी साथ में खा पी रहे हैं, ठूस रहे हैं, मतलब इतना सारा कुछ खाना नहीं चाहिए भाई। मुझे पता है हॉस्पिटैलिटी पढ़ के, पर एपिटाइजर इसी से ऐसे करने लगा था भाई, मेरी जुल्मे खराब नहीं होनी चाहिए यार। गाइस ऐसे थोड़ा फैंसी फील होता है इनके साथ खाना, इनका मैं नाम नहीं लूँगा मैं हमेशा। आपकी हमारे साथ की जर्नी यहीं तक थी गाइस, और यहीं पे ख़त्म हो गई है। ठीक है, इस तारीफ तारीफ पे नहीं मिल पाएंगे गाइस हम। ठीक है,
बस नहीं मतलब छोड़ो ना यार, क्या करोगे इफ्तारी पे देख के अपने भाई।